यूनिट थ्री। यूनिट थ्री में हम आज क्या क्या कवर करने की कोशिश करेंगे, एक हम पढ़ेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट, जो कि हमने ऑलमोस्ट हमने हमने समझ रखा है, एंड सीजनैलिटी हमने समझ रखा है, डाइवर्सिटी हमने समझ रखा है कि टूरिज्म प्रोडक्ट्स किसी टूरिज्म डेस्टिनेशन पे सीजनैलिटी का क्या इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट ऑफ सीजनैलिटी में हमने पढ़ा था, राइट, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट और वेदर में हमने पढ़ा था कि सीजनैलिटी कैसे एक डेस्टिनेशन को ऑफ सीजन कैसी एक फ्लक्चुएशन देती है डिमांड में, कैसी फ्लक्चुएशन देती है, और डाइवर्सिटी क्या होता है कि क्लाइमेट से कैसे डाइवर्सिटी आती है किसी डेस्टिनेशन पे, राइट। तो ये हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आगे आपका टूरिस्ट अट्रैक्शन, हम जस्ट थोड़ी सी क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, इसका बेसिक पढ़ लेते हैं। आपका जो यूनिट थर्ड है वो सबसे बड़ा यूनिट है आपका, आपके पूरे 10 यूनिट्स में सबसे बड़ा यूनिट आपका थर्ड ही है, तो इट विल टेक टाइम। तो हम इन चीज़ों में जो हमने ऑलरेडी हमने पढ़ रखी है इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बेसिक समझ लेते हैं। टूरिज्म प्रोडक्ट जो क्लासिफिकेशन भी करेगा, टूरिज्म प्रोडक्ट भी बता देगा, राइट। बेसिकली 5 तरह के टूरिज्म प्रोडक्ट होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट, जिसमें आपके आइलैंड हो गए, आप बीच रिजॉर्ट जा रहे हो तो आप एक नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। आप किसी लेक साइड आप कैंपिंग कर रहे हो, लेक को विजिट करने जा रहे हो, वाटरफॉल हो गया, रिवर हो गया, हिल्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, किसी पर्टिकुलर फ्लोरा और फोना को देखने जा रहे हो, तो वो एक नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट हो गया। सेकेंड इज मैन मेड टूरिज्म प्रोडक्ट, मैन मेड टूरिज्म में हो गया किसी पर्टिकुलर, आप दुबई जा रहे हो बुर्ज खलीफा को देखने, राइट, आप कोई मॉन्यूमेंट देखने जा रहे हो, ठीक है, आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने जा रहे हो, आप किसी आप लाल किला देखने जा रहे हो, आगरा फोर्ट देखने जा रहे हो, किसी पर्टिकुलर कोई डांस देख रहे हो, जो चीजें डांस हो गया, फेयर हो गया, एम्यूजमेंट पार्क हो गया, थिएटर्स हो गए, कॉन्फ्रेंस हो गई, तो जो चीजें मैन मेड है तो वो किसमें आ गई, मैन मेड टूरिज्म प्रोडक्ट में। थर्ड आ गया फिर आपका सिम्बॉटिक टूरिज्म प्रोडक्ट, जिसमें क्या आता है, मरीन पार्क हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, जो बना जो एक्चुअल में है तो नेचुरल, बट उन्हें मैन ने क्या किया है, ह्यूमन ने जस्ट उन्हें एक नाम दे दिया है, एक उन्हें एक एंटिटी बना दिया है विद डिफरेंट रीजन, प्रिजर्वेशन के रीजन से, ठीक है, उनके कंजर्वेशन के रीजन से, ठीक है तो नेचुरल, बट मैन ह्यूमन के एफर्ट से उन्हें एक अलग एंटिटी दे दी गई है, वो गया सिम्बॉटिक टूरिज्म प्रोडक्ट। नेक्स्ट आ गया वो इवेंट बेस्ड हो गया, ठीक है, आप काइट फ्लाइंग के लिए अहमदाबाद चले जाते हो, ठीक है, जैसे हमारी मकर संक्रांति होती है, ठीक है, बहुत काइट फेस्टिवल्स होते हैं पूरे हमारे नॉर्थ इंडिया से लेकर वेस्ट इंडिया तक, राइट। फिर ये एलिफेंटा फेस्टिवल है, ये एक एक एग्जाम्पल है, और भी डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं, आपको पता है रन ऑफ कच्छ में हर साल रन मनहोत्सव, राइट, समथिंग होता है, मनहोत्सव या उत्सव होता है, समथिंग करके हो करके समथिंग होता है, ठीक है। फिर हमारे खजुराहो टेम्पल में फेस्टिवल्स होते हैं, राइट। तो ये अगर आप किसी इवेंट बेस पे जा रहे हो, किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड भी करने जा रहे हो, ठीक है, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसके लिए जा रहे हो, कोई आईपीएल के लिए मैच देखने जा रहे हो, ठीक है, तो वो सब कुछ किस में आ गया, आपका इवेंट टूरिज्म बेस्ड एक्टिविटीज में आ गया। इसके बाद लास्ट है हमारा साइट बेस्ड, कि आप किसी साइट के लिए पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर रीजन से जा रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि सनराइज इन हिमालय एंड सनसेट इन कन्याकुमारी, तो जो साइट बेस होगा किसी किसी डेस्टिनेशन में जा रहे हो किसी एक पर्टिकुलर रीजन से किसी एक साइट को देखने के लिए, तो वो किसमें हो गया, साइट बेस्ड टूरिज्म। तो 5 बेसिक बेसिक क्लासिफिकेशन है टूरिज्म प्रोडक्ट्स की। सीजनलिटी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट हम आपके सिलेबस में करेंगे हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ इंडिया, राइट। इससे पहले एक बुक का नाम देख लो, ऑलरेडी आपको शायद पता भी हो, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया ने लिखी है, ये एग्जाम में भी आ सकती है और मैं हाईली रेकमेंड करूंगा, अगर अगर आप आपके पास वक्त हो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, अगर आपके पास ऑलरेडी बुक पढ़ी है तो आप इसे पढ़ सकते हो। इसमें टूरिज्म से रिलेटेड बहुत चीज़ें आपकी आगे आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसमें कवर है, राइट, जो सारा कल्चर है, जो ये थर्ड यूनिट है, ये आप कह सकते हो कि थर्ड यूनिट का 60% आपको इसी बुक में मिल जाएगा, 60 नहीं तो 40% आपको इसी बुक में मिल जाएगा, राइट। तो मैंने भी जो ये सारा मटेरियल इकट्ठा किया है इसी बुक से किया है। तो हैंडीक्राफ्ट को पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो हैंडीक्राफ्ट में आता है दैट इज ग्लासवेयर, राइट, जो शीशे से जो हम क्राफ्ट क्राफ्टमैनशिप दिखाते हैं वो जो इंडिया की हेरिटेज में है, राइट।
जो हम सदियों से करते आ रहे हैं, जो ग्लासवेयर पे पर्टिकुलरली, जिसमें सबसे कुछ मेन मेन है मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है. फर्स्ट वन इज चूड़ी का जोड़ा, राइट. चूड़ी का जोड़ा कहाँ का फेमस है? हैदराबाद का. तो इन नाम को याद रखना जरूरी है, इनसे क्वेश्चन आते हैं. चूड़ी का जोड़ा कहाँ का फेमस है? हैदराबाद का. आप यहाँ देख सकते हो ये ग्लासवेयर है, पूरे शीशे का काम है इसमें, राइट. नेक्स्ट वन इज शैंडलियर्स ऑफ फिरोजाबाद. शैंडलियर्स आपको पता है क्या होते हैं? आपने किसी बड़े होटल्स में देखा होगा, कोई अच्छा बड़ा घर है वो भी शैंडलियर्स यूज करते हैं, राइट. तो शैंडलियर्स का कहाँ के फेमस, इंडिया में शैंडलियर्स कहाँ के फेमस है? फिरोजाबाद, यूपी, राइट. एंड देन पंचकोरा हमारा सहारनपुर, ठीक है. पंचकोरा एक याद रखना और दूसरा टिकुली याद रखना. पंचकोरा और टिकुली डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है टॉयज के. जो एक सहारनपुर हमारा यूपी में आ गया और ये बिहार, ये पटना में है बेसिकली, मतलब पटना बिहार में है. तो जो ये टिकुली है ये पटना जो हमारी सिटी है, जो कैपिटल है बिहार की, वहां बनते हैं टिकुली और पंचकोरा. जबकि ये टॉयज सेम होते हैं, शीशे से बनते हैं ये, राइट. माइका जो हो गया हमारा, राइट. इसके अलावा इसमें एक ये मिस प्लेस हो गया है, ये वुडन तो नहीं है बट हाँ ये इंडियन हैंडीक्राफ्ट है. तो वुडन लेकरवेयर जो है हमारा वाराणसी का लेकरवेयर, बेसिकली क्या होता है, लकड़ी पे एक पॉलिश होती है, लाख दाना आपने सुना होगा, राइट. तो उसकी पॉलिश होती है, तो वो इसमें मैंने यहाँ इसे मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है. तो ये वुडन में आएगा, ये वुडन हैंडीक्राफ्ट है आपका, वुडन लेकरवेयर ऑफ वाराणसी. कहाँ का है ये फेमस? वाराणसी का. सहारनपुर और बिहार का क्या फेमस है? टॉयज फेमस है, जिनके नाम है पंचकोरा और टिकुली. और चूड़ी जो हमारा चूड़ी का जो हमारी चूड़ी का जोड़ा आता है वो फेमस है हैदराबाद का. और जो शैंडलियर्स कहाँ के फेमस है? फिरोजाबाद के. आपको याद होना चाहिए, ये मैच करने को आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन. आगे चलते हैं, क्लॉथ्स पे जाते हैं. क्लॉथ्स में अगर हम देखें, फर्स्ट है बंधनी और बंधेजा, राइट. ये आपने सुन भी रखा होगा, इनकी जो साड़ियां आती है तो आपने सुन रखा होगा, बंधनी साड़ी, बंधेजा साड़ी, राइट. तो बेसिकली ये किस टेक्निक पे बेस है? टाई एंड ड्राई टेक्निक जो होती है हमारी, ठीक है. डाई, आई एम नॉट श्योर द स्पेलिंग ऑफ डाई, राइट. टाई एंड डाई बेसिकली क्या करते हैं, किसी कपड़े में, किसी क्लॉथ में एक नॉट बांध लेते हैं, राइट. या उसे मतलब उसे टाई कर लेंगे, गांठ बांध लेंगे या छोटे छोटे जगहों से उसे बांध लेंगे, ताकि और फिर उस, जब उसे आप नॉट बांध लोगे, उसमें गांठे बांध लोगे, जब आप उसको किसी कलर में डुबोगे तो कुछ पर्टिकुलर रीजन में क्या होगा, कलर नहीं जाएगा जो आपने नॉट कर रखा है, तो उससे एक पैटर्न इमर्ज हो जाएगा. तो जो वो पैटर्न इमर्ज होता है उसे कहते हैं टाई एंड डाई टेक्निक, राइट. तो ये बंधिनी और बंधेजा जो है ये टाई और डाई बेस पे है. यहाँ पे हमारा इकट है, ठीक है. ये भी किस पे बेस्ड है? ये भी टाई एंड डाई की टेक्निक पे बेस्ड है. तो जो बंधनी और बंधेजा ये हमारे गुजरात हो गई, राइट, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, इन इन स्टेट्स में यूज होता है, ठीक है. ये एक एग्जाम्पल है यहाँ बंधनी का. तो बेसिकली साड़ी का एक क्लॉथ है जिसमें पैटर्न निकाले गए हैं टाई और डाई टेक्निक से. बंधनी मतलब बांध दिया गया उसे और फिर उसे डाई कर दिया गया, राइट. फिर नेक्स्ट है हमारा, तो आपको ये याद रखना है कि बंधनी और बंधेजा गुजरात, राजस्थान, ये मतलब किसी एक स्टेट तक पर्टिकुलर एक सीमित नहीं है, ये बहुत सी स्टेट यूज करती है. नेक्स्ट है हमारा लहरिया. लहरिया हमारा जोधपुर और जयपुर का फेमस है, राइट. लहरिया भी सेम टेक्निक यूज करता है टाई एंड डाई की, राइट. बट इसमें जैसे नाम से आपको लग रहा है लहरिया, तो इसमें इनसेट की आपको कुछ और पैटर्न मिलेंगे. जो आपको पैटर्न मिलेंगे वो बेसिकली लहर सी होगी, ठीक है, लाइंस वाले पैटर्न मिलेंगे. तो आपने साड़ियां देखी होगी, जो लाइंस वाली साड़ियां होती है जिनमें लाइंस वाले पैटर्न होते हैं वो लहरिया साड़ियां होती है, उसमें लहरिया आर्ट यूज किया गया होता है. और ये कहाँ का फेमस है? राजस्थान का फेमस है. राजस्थान के किन दो सिटीज का फेमस है? जोधपुर और जयपुर का. इसके बाद जो हमने इकाट पढ़ा था, इकट या इकाट, ठीक है, तो ये भी एक अगेन टाई एंड डाई बेस पे है.
ये कहाँ का फेमस है? गुजरात का, तेलंगाना का, गुजरात, तेलंगाना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, राइट। तो गुजरात एक वेस्ट कोस्ट का है, बाकी ये सारे ईस्ट कोस्ट के है, राइट। तेलंगाना एक लाइन आप सोचते हो कि गुजरात, फिर तेलंगाना, फिर ओडिशा और आंध्र प्रदेश, राइट। ये अगर इंडिया का मैप है तो यहाँ का ये, यहाँ की ये फेमस आर्ट है, अगेन टायर डाई पे बेस्ड है, और ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? इंडोनेशिया से। तो ये आर्ट एक्चुअल इंडोनेशिया में इन्वेंट हुआ है, बट ये अब ट्रेड रूट से आया, राइट, एशियन टाइम में, आज से 400 साल 500 साल पहले या उससे भी पहले ये ट्रेड रूट से जो गुजरात में आया, सूरत में आया, और सूरत से ये पूरे मिडल इंडिया में फैल गया, राइट। नेक्स्ट जो हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है कलमकारी, कलमकारी कहो कि कलमकारी कहो, राइट। तो कलमकारी कहाँ का फेमस है? आंध्र प्रदेश का, इसे याद रखना, कलमकारी कहाँ का फेमस है? आंध्र प्रदेश का। तो ये एक ऐसा इकलौती ऐसी आर्ट है, आर्ट फॉर्म है, जिसमें क्या होता है, कपड़े पे आप कलम से पेंटिंग्स बनाते हो। ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये कलमकारी है, राइट। कहाँ की फेमस है ये? आंध्र प्रदेश की। तो आप इसमें एक कलम लेकर, जैसे नाम में ही कलम लिखा है, तो एक पेन से आप ड्रॉ करते हो पेंटिंग्स कपड़े पे, दैट इज कलमकारी, आंध्र प्रदेश। और लास्ट है बटीक आर्ट। बटीक आर्ट आपने सुन रखा होगा, बटीक आर्ट कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, राइट। तो ये एग्जाम्पल है यहाँ बटीक आर्ट का। तो इसमें कलर्स के साथ वैक्स भी यूज की जाती है, ठीक है, कलर और वैक्स दोनों को यूज करके इन्हें ड्रॉ किया जाता है कपड़ों पे, साड़ियों पे या किसी और क्लॉथ पे। तो इन्हें क्या कहते हैं? बटीक आर्ट। इसमें वैक्स भी यूज होती है और कलर भी यूज होते हैं। दिस इज एग्जाम्पल। ये कुछ फेमस जो हमारी साड़ियां हैं, रीजनल साड़ियां हैं, राइट, ये आप सब पढ़ सकते हो, जैसे पंचमपली, राइट, आंध्र प्रदेश। ये आपको इसमें से आप अगर, जैसे ये आप 10 है 20 है, इसमें से आप आधी भी याद कर सकते हो, तो आपको एक इंटेलिजेंस गेस्ट पेपर में देना आसान हो जाता है, अदरवाइज ज्यादा टफ नहीं है। जैसे कुछ, जैसे पटोला है, पटना से आप याद रख सकते हो, ठीक है, ये सेम सेम है। बलूचरी जो है हमारी है, वो मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल से है, राइट। जमदनी जो है, जमदनी जो हमारी है, वो वेस्ट बंगाल से है अगेन, ठीक है। जो ये तंचोई जो हमारा आर्ट है, तंचोई आर्ट भी एक्चुअल में इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुआ, ये चाइना में ओरिजिनेट हुआ है। अगेन ये भी सूरत के रास्ते, सूरत में भी ये पेंटिंग, ये साड़ी बनती है, जो मगर जो फेमस साड़ियाँ बनती है तंचोली आर्ट से, वो कहाँ बनती है? वाराणसी में बनती है। और जो इसका बेसिक जो ये आर्ट है वो कहाँ से आया है? चाइना से आया है, राइट। इसके अलावा चंदेरी, आपको पता है चंदेरी एक बहुत फेमस साड़ी है, ठीक है, सिल्क साड़ी होती है, राइट। तो जो हमारी तंचोली है वो बनारसी साड़ी की एक फॉर्म है, ठीक है, बनारसी साड़ी भी बहुत फेमस होती है। फिर एल्कल एक साड़ी फॉर्म है, कर्नाटका की है, ठीक है, कसूटी एम्ब्रॉयडरी इसमें यूज होती है, ठीक है। और ये चैरियट्स और एलिफेंट्स की इसमें ड्राइंग्स बनाई जाती है, बेची मोटिफ्स किसके यूज किए जाते हैं, एक एलिफेंट होगा और उसमें चैरियट्स होगा। आपको पता है, इसे आप याद रख सकते हो कि गोल्डन चैरियट कहाँ पे है? कर्नाटका में है, हम्पी में है, राइट। हम्पी में, कर्नाटका में हम्पी, और हम्पी में की कौन सी चीज ज्यादा फेमस है? गोल्डन चैरियट। तो आप उसे वैसे याद रख सकते हो, चैरियट और एलिफेंट यूज होते हैं किसमें? एल्काल में, एल्काल में। फिर टांट करके है, ठीक है, टांट कहाँ? वेस्ट बंगाल है, अगेन तीन चीजें हमने पढ़ ली है जो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, ठीक है। फिर नवरारी है, नौवारी, इसे मैं याद रखता हूँ, एक सॉन्ग भी है मराठी सॉन्ग, उसमें ये वर्ड है नौवारी, राइट, नौवारी। तो हो सकता है उस गाने में साड़ी का ही जिक्र हो, ठीक है, ऑल्दो इट इज इन मराठी। तो नवरारी आप याद रखते हो, कहाँ से है? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? मराठी बोलते हैं। तो उससे आप इस चीज को याद रख सकते हो। नेक्स्ट कलमकारी हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, कासावू, हमने कासावू केरला से याद रखते हो, के आप याद रखते हो, राइट। इसमें गोल्डन बॉर्डर्स यूज होते हैं, ऐसे इसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक
याद रख सकते हो, ठीक है। फिर डाबू है, डाबू का फेमस क्या है, ये मड, इसमें यहाँ शो नहीं हो रहा है, तो इसमें मिट्टी यूज होती है, जो जिसमें कलर यूज होता है उसमें मिट्टी का यूज किया जाता है। कहाँ का है ये, छत्तीसगढ़, राइट। फिर कॉनराड हो गया, ठीक है, ये तमिलनाडु का फेमस है। टेम्पल सारी, इसमें एनिमल, इसमें भी अगेन एनिमल्स की एम्ब्रॉयडरी की जाती है, मॉडिफाई किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। फिर लास्ट में, सेकंड लास्ट में कोसा आ गया, अगेन छत्तीसगढ़, सिल्क सिल्क साड़ी है ये, कोसा सिंपल। और पैथनी, पैथनी महाराष्ट्र की है, और क्यों फेमस है, अपनी गोल्डन गोल्ड कलर थ्रेड्स के लिए, ठीक है। पैरेट्स इसमें मोटिफ किया जाता है, पैथनी, राइट। तो इन्हें आप एक दो, जैसे इसमें कुछ कुछ, इसमें मोस्ट जो है जो कि सिंपल है याद रखने को, राइट, आपको कुछ थोड़ी बहुत याद रखने हैं, एक या दो बार पढ़ोगे तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे। आइवरी आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा इंडिया में जो आइवरी आर्ट है, आइवरी आर्ट होता है क्या, जो हमारे दांत, हाथी के दांत जो होते हैं, जो वो हाथी के दांत पे जो आर्ट दिखाया जाता है, किया जाता है, उसे कहते हैं आइवरी आर्ट। तो आइवरी हाथी के दांत को कहते हैं, राइट। तो इंडिया में आइवरी आर्ट कहाँ फेमस है, दिल्ली में फेमस, दिल्ली का आइवरी आर्ट फेमस है, जयपुर का आर्ट फेमस है, और वेस्ट बंगाल का आर्ट फेमस है। एक चीज तो ये अब थोड़ा ट्रेडिशनल ही रह गया है, क्योंकि अब आइवरी पे काम करना बहुत बेसिकली लीगल नहीं है, ठीक है, क्योंकि पोचिंग लीगल नहीं है। तो अब ये आर्ट मतलब ज्यादा एक स्टेज ऑथेंटिसिटी रह गई है इस आर्ट एज अ कमर्शियल यूज से ज्यादा, राइट। सो ये दिल्ली और जयपुर का फेमस है, और कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल का भी ये फेमस है, राइट। जैसे अंबरिया हाथी आपने देखा होगा, ये देखो, ये अंबरिया हाथी है, अंबरिया हाथी में आइवरी आर्ट का भी बनता है, मड का भी बनता है, टेरिकोटा का भी बनता है, ठीक है, तो ब्रास का भी बनता है। तो अंबरिया हाथी एक काइंड ऑफ, जैसे नटराज आपने सुन रखा है, राइट, जैसे नटराज एक फेमस स्टैचू है, तो आप उसको ब्रास की भी बना सकते हो, सिल्वर की बना सकते हो, गोल्ड की बना सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही अंबरिया हाथी भी एक एक आर्टिफैक्ट है, आप कह सकते हो, जो आप किसी भी किसी भी मटेरियल से बना सकते हो। तो ये आइवरी का भी बनता है, जैसे कि आपके सामने है यहाँ पर, राइट। और इसमें जो आपको याद रखना है, क्या रखना है, एक तो जो फेमस जगह है दिल्ली, जयपुर और वेस्ट बंगाल हो गया, और इसके अलावा केरला, केरला की जो आइवरी फेमस है वो है पेंटिंग ऑन आइवरी, फेमस है केरला की, आइवरी पे पेंटिंग की जाती है, राइट। फिर जोधपुर की जो बैंगल्स फेमस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जोधपुर की जो बैंगल्स फेमस है आइवरी की, वो बैंगल्स बनाते हैं जोधपुर की। और जयपुर की क्या है, जाली वर्क। तो जैसे आपने मार्बल में, आपने ताजमहल देखा होगा, या कोई और भी आप कोई फोर्ट देखे होंगे मुगल इस्लामिक जो आर्किटेक्चर पे बने हैं, राइट, तो आप देखोगे उसमें मार्बल की हो गई, या सैंडवुड की हो गई, जालियां बनती है, राइट। बहुत डिजाइन और अलग अलग तरह के डिजाइन होते हैं, तो वो जाली वर्क किस पे, आइवरी पे भी होता है, और वो कहाँ का फेमस है, जयपुर का है, राइट। तीन चीजें याद रखनी है, केरला की पेंटिंग फेमस है, जोधपुर की बैंगल्स फेमस है, और जयपुर की जाली वर्क फेमस है आइवरी के मामले में, सिंपल है याद रखने को। नेक्स्ट चलते हैं टेराकोटा क्राफ्ट। टेराकोटा का बेसिक मतलब होता है बेक्ड अर्थ, जिसका मतलब लिटरल मतलब हो गया, लिटरल मीनिंग हो गया बेक्ड अर्थ। तो क्या करते हैं, मिट्टी को आधा पकाया जाता है, आधी पूरी तरह से नहीं पकाया जाता, आधा पकाया जाता है, जिससे वो क्या हो जाता है, उसके अंदर वाटरप्रूफ प्रॉपर्टीज आ जाती है। और जब उसके अंदर एक वाटरप्रूफ प्रॉपर्टीज आ जाती है, तो वो एक तो हार्ड हो जाती है, और उसके अंदर वाटरप्रूफ प्रॉपर्टी आ जाती है, तो वो एक स्कल्पिंग के लिए उसे उसको उसका एक स्कल्पचर बनाना आसान हो जाता है, राइट। तो उसके लिए उसको, इसे एशियन टाइम से यूज किया जाता है। आप हड़प्पा सिविलाइजेशन देख लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको टेराकोटा के अभी खिलौने मिलते हैं, राइट। तो ये टेराकोटा जो आर्ट है, इंडियन सिविलाइजेशन ने बहुत पहले मास्टर कर लिया था। जो अभी जो हमारा टेराकोटा आर्ट जो फेमस है, उसमें जो दो चीजें फेमस है, दैट इज बनकुरा हॉर्स और पंचमुरा हॉर्स, राइट। जो आपके सामने ये बनकुरा हॉर्स है, राइट। तो एक्चुअल में बनकुरा और पंचमुरा दो विलेजेस है बनकुरा डिस्ट्रिक्ट में,
राइट right. तो इनके हल्का सा डिस्टिंक है, ज्यादा फर्क नहीं है, यूनिकनेस हल्की सी कुछ यूनिकनेस है, इसलिए इन्हें डिस्टिंग्विश किया गया है बंकूरा हॉर्स और पंचमूरा हॉर्स। तो कहाँ के है ये? वेस्ट बंगाल, जो फेमस है अभी। राइट नेक्स्ट है हमारा सिल्वर ज्वेलरी। राइट जो सिल्वर ज्वेलरी भी एक आर्ट है राइट तो उसपे जो हमारा फेमस वर्क होता है, जो जो टेक्निक यूज की जाती है, उसे कहते हैं फिलीग्री वर्क। राइट फिलीग्री वर्क हो गया। राइट तो ये आपके सामने है, ये सब गुड एग्जांपल ऑफ फिलीग्री वर्क। तो ये सब कुछ सिल्वर से बना हुआ है। राइट जो चीज फेमस है ओडिशा की, जो सिल्वर सिल्वर ज्वेलरी में फेमस है, वो क्या है? एंकलेट्स है, जो पायले हैं वो ओडिशा की फेमस है। उन्हें क्या कहते हैं? पेनरी भी कहते हैं और पेजम भी कहते हैं, पेनरी और पेजम। राइट तो ओडिशा की पायले फेमस है, और समटाइम इसमें गूंची भी यूज होती है। गूंची इज बेसिकली, आपने वो ऑरेंज कलर के मनके देखे होंगे, मालाएं मालाओं में होते हैं, तो आपको पता है उनके बोथ एंड्स में सिल्वर यूज होता है, तो दीज आर कॉल्ड गूंची। राइट तो इसमें गूंची भी यूज होती है। तो फिलिग्री वर्क क्वेश्चन मुझे याद है, कहीं नेट में आया या कहीं और पढ़ा है कि फिलिग्री वर्क किससे रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वो किससे रिलेटेड है? सिल्वर ज्वेलरी से। राइट सिल्वर जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है। और इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि ओडिशा की कौन सी सिल्वर प्रोडक्ट, कौन सा जो सिल्वर ज्वेलरी है फेमस है, तो वो कौन सी है? एंकलेट पायले जो फेमस है ओडिशा की। राइट इसके अलावा जो आपको कहना है कि भिदरी वर्क डन इन भिदरी विलेज ऑफ कर्नाटका। राइट और ये देखो, ये भिदरी का बेस्ट एग्जांपल है, याद रखना कहाँ है ये? कर्नाटका भिदरी। राइट तो इसमें क्या करते हैं बेसिकली, सिल्वर में एक इसे पहले तराश, इसे मतलब जैसे कहते हैं एक स्क्रैच करके, एक सिल्वर पे लाइंस देकर, ठीक है, एक डिजाइन बनाया जाता है। बाद में उसे ब्लैक डाई में, डार्क डाई में डालकर साफ किया जाता है, तो जो वो लाइंस होती है उसमें वो डार्क डाई बैठ जाता है और बाकी ये शाइन। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ब्लैकिश सिल्वर। राइट पढ़ सकते हो, डार्क बैकग्राउंड वेटेड शाइनी सिल्वर वर्क। राइट सो इसमें आपको बिदरी याद रखना है, सिल्वर वर्क जो कहाँ का फेमस है? बिदरी ही गांव का फेमस है कर्नाटका का। राइट ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं इन्हें जीआई टैग मिल रखा है। राइट इसके अलावा फिगरी वर्क किसके लिए फेमस है? सिल्वर ज्वेलरी के लिए, और ओडिशा की पायल फेमस है। नेक्स्ट है क्ले एंड पॉटरी वर्क। राइट तो पॉटरी को लिरिक ऑफ हैंडीक्राफ्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमारी पॉटरी जो हम अगेन इंडियन सिविलाइजेशन ने पॉटरी ऑलमोस्ट 6000 BC पहले डेवलप कर दी थी, ठीक है। जो हमारा मेहरगढ़ है, ठीक है, मेहरगढ़ क्या एक आर्कोलॉजिकल साइट है, ठीक है, नियोलिथिक साइट है एक, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की है, जो अब करंटली पाकिस्तान में है। राइट तो वहां पे जो हमें ओल्डेस्ट पेंटेड ग्रेवेयर मिला था। राइट तो इससे प्रूफ होता है कि हम इंडियन सिविलाइजेशन पोट्री में बहुत पहले से ही उन्होंने महारत हासिल कर दी थी। राइट इसके अलावा इसमें जो हमें देखो, इसमें और चीज है, ये बेसिकली दिया है कि क्या कहाँ पर मिला है। राइट नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। राइट तो हमने कलर डिजाइन डिजाइन बनाना, पैटर्न बनाना वेयर में बहुत पहले शुरू कर दिया था। जो फेमस जो हमारी पोटरी है वो उसे पढ़ लेते हैं। फर्स्ट तो है खुरजा, खुरजा पोटरी, यह है कलर्ड एंड आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। हाउस होल्ड आइटम के लिए बेसिकली यूज होती है। कहाँ की फेमस है खुरजा? कहाँ की? ये जरूरी है कि खुरजा कहाँ की फेमस है? उत्तर प्रदेश की। ब्लैक पॉटरी, ब्लैक पॉटरी दो जगह है, एक यहाँ होगी, एक एक ब्लैक पॉटरी यूपी की आजमगढ़ की फेमस है। राइट और दूसरी ब्लैक पॉटरी मणिपुर उखरूल की फेमस है, ठीक है। तो दो याद रखना। गे स्टाइल कहाँ की फेमस है? चुनार और चिनहत की फेमस है। ये ब्लू पॉटरी आपको पता है, इसे पिंक सिटी, वैसे तो वैसे से पिंक सिटी कहते हैं, जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं, बट ब्लू पॉटरी पॉटरी कहाँ की फेमस होती है? जोधपुर की।
अब इसे इसका फोटो मैं लगाना भूल गया, तो आप देख सकते हैं ये बहुत बहुत महंगी पोटरी होती है, राइट। आप इन्हें, मैं सजेस्ट करूंगा जितना भी पढ़ा है आप, आपको याद करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप इन्हें एक बार गूगल कर दो, एक पिक्चर, एक मेंटल पिक्चर बना दो। मैंने तभी इनके फोटोज यहाँ डाले हैं कि इसे एक मेंटल पिक्चर बन जाए याद रखने के लिए, बट सबकी फोटोज डालना पॉसिबल नहीं है। तो आप इन्हें खुद से जस्ट गूगल करो, एक बार इनके कुछ फोटोज देखो, तो आपको एक मेंटल इमेज बन जाती है कि हाँ एटलीस्ट स्टेट तो आपको याद रह ही जाती है फोटोज देख के, राइट। क्योंकि आर्किटेक्ट जो इनका आर्ट होता है वो मैच होता है, एक बार आप बार बार देखोगे तो आपको पैटर्न इमर्ज होने शुरू हो जाएंगे कि हाँ ये इस रीजन का होगा। स्टेट भी नहीं बताओगे तो रीजन तो आप बता ही दोगे कि ये नॉर्थ इंडिया का है या साउथ इंडिया का है, राइट। तो ब्लू पॉटरी जोधपुर की फेमस है, राइट, मुल्तानी मिट्टी से बनती है ये। कागजी पॉटरी अलवर की फेमस है, राइट, इसे भी जरूर गूगल करना, राइट। पोखरम, पोखरम आपको पता है, पोखरान अगेन कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है। हमने यहाँ पोखरान टेस्ट किए थे परमाणु, अपने परमाणु बम के, ठीक है। तो ये भी कहाँ है, राजस्थान में है। तो पोखरान पॉटरी फेमस है, ठीक है। डल गटे पॉटरी जम्मू कश्मीर की फेमस है, इसे याद रखना क्योंकि एक यूनिक सा है, राइट, जम्मू कश्मीर की फेमस है। कारीगरी पॉटरी तमिलनाडु की फेमस है, ठीक है। तो आपको ऐसे ये सब कुछ याद रखना है। सुराई हो गई वेस्ट बंगाल की, और गोपी चंदन कहाँ की होगी, सौराष्ट्र की। तो गोपी चंदन से आप रखते हो कि गोपी कृष्ण से रिलेटेड है। द्वारिका कहाँ पे है, सौराष्ट्र में है, ठीक है, गुजरात में है, राइट। तो सौराष्ट्र कहाँ है, गुजरात में है, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट आपका है ब्रास वर्क, ब्रास या आपका ब्रास कहे या ब्रास आपका कांसा हो गया, और या ब्रॉन्ज कहे आपका से कॉपर वर्क जो हुआ बेसिकली, ठीक है। तो वो कौन कौन सी जगह का फेमस है, ओके, वी आर आउट ऑफ टाइम एक्चुअली, ओके नो प्रॉब्लम, वी विल कवर इट गेट अ क्लासेस। पहले आज का नेशनल, अब हम आज का नेशनल पार्क पढ़ लेते हैं। तो आज हम नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं क्रूगर नेशनल पार्क। क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ है, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और क्यों फेमस है, अगेन अपने सवानास के लिए। तो जो ये सारा रीजन आपको दिख रहा है ये सारा सवाना है। तो यहाँ आपको पता है बिग फाइव जिसे कहते हैं, एनिमल वाइल्ड लाइफ में टर्म आती है बिग फाइव। तो अफ्रीका ही एक ऐसी कंट्री है जहां पे बिग फाइव पाए जाते हैं, जैसे लायन हो गया आपका, लेपर्ड हो गया, ठीक है, बफेलो हो गया, इसके अलावा और आपके होता है राइनोसॉरस हो गया, राइट। और इसमें एक चीज छूट रही है कोई, अभी मुझे याद नहीं आ रही है। तो ये मतलब चार जो सबसे ये आपका हिप्पो हो गया, बट आई एम नॉट श्योर कि ये होगा, राइट, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। तो कोई मतलब पांच ऐसे जानवर जो सबसे खतरनाक है, राइट, जो सबसे डेंजरस है ह्यूमंस के लिए, राइट। तो आपको पता है सबसे ज्यादा किल लाइन से ज्यादा बफेलो लोगों को मारता है अफ्रीका में, राइट। तो ये इसीलिए भी फेमस है क्योंकि ये उन नेशनल, उन गिने चुने नेशनल पार्क्स में आता है जहां पे बिग फाइव है, राइट। तो आपको ऑल बिग फाइव एक ही डेस्टिनेशन में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, इसीलिए बहुत फेमस है। तो आज का नेशनल पार्क था क्रूगर नेशनल पार्क। अब हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ओर आ रहे हैं। आपको बताना है एस्वातिनी जो हमारी कंट्री है, एस्वातिनी, इसका अभी फॉर्मल नाम क्या था, इन्होंने रिसेंटली चेंज किया है एस्वातिनी के लिए, इसका पहला नाम क्या था। तो आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन की ओर। तो हमने पूछा था कि इनमें से कौन सी जियो हेरिटेज साइट है इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। सो द राइट आंसर एक्चुअली इज नॉट बी, इट्स मुझे लगा आपको ये आसान था, मंजौली, ठीक है। मंजौली जो हमारा आपको पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड भी है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सी रिवर पे है, ब्रह्मपुत्र पे है, ठीक है। और आपको पता है ब्रह्मपुत्र कहाँ से गुजरती है, नॉर्थ ईस्ट रीजन से गुजरती है। तो इट वॉज इजी क्वेश्चन,
ठीक है, आपको अपने अगर आपने पढ़ा भी नहीं होता तब भी आपको पता होता कि मंजोली कहाँ पर है, तभी आप इसका आंसर कर सकते थे। इसके अलावा जो आपका पिलो लावा आयरन ओर है ये ओडिशा में है, ठीक है, अकल वुड फॉसिल आपका राजस्थान में है, और जो आपका कराई बैडलैंड फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल पार्क है ये आपका तमिलनाडु में है। तो अगर आपने एक बार ये देखा होता तो आप इसका आंसर दे सकते थे। आज का क्वेश्चन है, आज के दो क्वेश्चन है और वही है जो हमने आज पढ़े हैं, ये हमने सब कुछ कवर कर दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके गाइस, तो ऐसे ही हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है जिस कोर्स में हमारी ये लाइव क्लासेस गाइस चली हुई हैं। उस कोर्स का नाम है कंप्लीट कोर्स ऑफ यूजीसी एनटीए नेट टूरिज्म प्लस। ओके, मैं आपको तीनों कोर्स के बारे में बताऊंगा जो राणा एजुकेशन के पास अवेलेबल है। ओके, तो गाइज अभी जो आपने डेमो क्लास देखी वो लाइव क्लासेस हमारी इस कोर्स में चली हुई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइज इस कोर्स की वैलिडिटी है 6 months ड्यूरेशन है इस कोर्स की, मीन्स आप जिस डेट को इसको परचेज करेंगे उस डेट से लेके आपको 6 months की वैलिडिटी यहाँ पे गाइज मिलती है। मैं आपको इसका कंटेंट दिखा देता हूँ, ये इसका कंटेंट है गाइज। यहाँ पे आप देखें ओपनिंग लेक्चर विद मोटिवेशन, ये फर्स्ट लेक्चर है, देन आपका सिलेबस यहाँ पे डिस्कस किया गया है, देन पेपर वन स्टडी मटेरियल एंड पेपर टू स्टडी मटेरियल। इस कोर्स का नाम टूरिज्म प्लस इसलिए है क्योंकि इसमें पेपर वन भी प्लस किया हुआ है। अभी हमारी पेपर टू की क्लासेस चली हुई हैं टूरिज्म की, हमने 5 units कर ली हैं। ओके, उसके बाद हम पेपर वन खत्म करेंगे और जैसे कि आपको पता है जून में एग्जाम हो सकता है। ओके, तो तब तक हम पेपर वन भी पढ़ के गाइज इसमें लाइव क्लासेस करके हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेपर टू स्टडी मटेरियल है, आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे सारे नोट्स आपको यूनिट वाइज मिल जाते हैं। हमने अभी तक 5 units कर ली हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये फर्स्ट यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट को खत्म करने के लिए हमें यहाँ पे इसके 5 lectures गाइज लगे। ओके, मैंने इसका भी एक डेमो आपने देखा होगा टूरिज्म मॉडल्स करके एक डेमो क्लास मैंने पहले भी अपलोड की थी, वो इस यूनिट से थी। ओके, देन उसके बाद सेकेंड यूनिट आप देखें यहाँ पे, या ये सेकंड यूनिट है गाइज, यहाँ पे इसको खत्म करने के लिए हमारे 7 videos लगे। ओके, 6 videos लगे है ना। एंड देन आप देखेंगे यहाँ पे हर एक टॉपिक को वीडियो लेक्चर में सर ने क्लास लेके समझाया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे पीडीएफ नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स कंप्लीट सिलेबस के आपको यहाँ पे मिलते हैं हर एक यूनिट के टॉपिक वाइज, और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे मिलता है MCQs। ओके, तो हर एक यूनिट के फोल्डर में आप देखेंगे वीडियो लेक्चर, ओके, देन उसके पीडीएफ नोट्स एंड देन उसके MCQs। ओके, ये आपको सभी यूनिट्स में देखने को गाइज यहाँ पे मिलेगा। तब बात करते हैं थर्ड यूनिट की, जो हमारी थर्ड यूनिट है वो गाइज आपके सिलेबस में सबसे लेंथी यूनिट है। ओके, इस यूनिट को खत्म करने के लिए हमें यहाँ पे 12 lectures लगे, 12 lectures। ओके, आप देखिए यहाँ से 1 से लेके यहाँ पे 12 lectures आपके सामने हैं। अभी जो आपने डेमो देखा गाइज वो ये वाला लेक्चर था 31 minutes का, बाकी लेक्चर्स के आप ड्यूरेशन देखे हैं तो 1 घंटा 4 minutes, 1 घंटा 13 minutes, 1 घंटा 2 minutes, मीन्स सभी लेक्चर जो है वो, क्योंकि हमारी लाइव क्लास जो है वो मंडे टू फ्राइडे 7:30 to 8:30 डेली होती है 1 hour की। ओके, तो ये सबसे लेंथी यूनिट थी, इसको खत्म करने के लिए 12 lectures हमें लगे। ओके, देन मैं आपको दिखा देता हूँ फोर्थ यूनिट, वो भी हम खत्म कर चुके हैं, इसको खत्म करने के लिए हमारे 8 lectures लगे, 8 video lectures यहाँ पे हैं। ओके, और गाइज अभी हमारी जो फिफ्थ यूनिट है वो रनिंग है। ओके, फिफ्थ यूनिट की क्लासेस चली हुई हैं, है ना, इसके अभी 3 videos हो चुके हैं। ओके, और आने वाले टाइम में हम 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th यूनिट खत्म करेंगे, देन हम पेपर वन पे आएंगे, सेम इसी पैटर्न में पेपर वन को भी गाइज खत्म किया जाएगा। ओके, अब मैं आपको दिखा देता हूं कि बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि सर कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है, कोर्स कहाँ पे मिलेगा। ओके, और कोर्स कितने कोर्स हैं, कौन कौन से कोर्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सारा जो कंटेंट है गाइज ये आपको मिलने वाला है मेरी एप्लीकेशन, मेरी ऐप पे, जिसका नाम है राणा एजुकेशन। अब उस ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक अभी आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा,
और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। ओके, वहां से जाके इस ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप को आपने डाउनलोड कर लेना है। ओके, और डाउनलोड करने के बाद गाइज आप जाएंगे स्टोर पे। जैसे आप इस ऐप को खोलेंगे ना, तो वहां पे आपको बहुत सारी ऑप्शन दिखेंगी, होम, बैचेज, आपने जाना है स्टोर पे। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब जैसे स्टोर पे जाएंगे, ये वाले स्टोर ऑप्शन है ना, यहाँ पे गाइज आपने जाना है एनटीए यूजीसी नेट वाले फोल्डर पे। ओके, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे गाइज आपके सामने इसके फिलहाल 3 कोर्स हैं, चौथा भी मैंने लॉन्च नहीं किया है, पेपर वन का। 3 कोर्स मैं लॉन्च कर चुका हूँ। ओके गाइज, यहाँ पे आपको मैं आप तीनों कोर्स के बारे में डिटेल में समझा देता हूँ, है ना। ये वाला जो कोर्स है गाइज हमारा, ये है कंप्लीट कोर्स ऑफ यूजीसी एनटीए नेट टूरिज्म प्लस। ओके, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस कोर्स में प्लस इसलिए है क्योंकि यहां पे आपको पेपर वन भी कंप्लीट मिलता है। ओके, इसका प्राइस है 4999 और यहां पे आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। 2500 फर्स्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट होगी और उसके बाद आपको रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी। इसकी खूबसूरती ये है कि आपको यहाँ पे 6 मंथ्स की वैलिडिटी मिलती है, प्लस जो लाइव क्लासेस हैं वो सिर्फ इसी कोर्स में होती हैं। ओके, तो अगर आपको लाइव क्लासेस एंजॉय करनी है, वहां पे डाउट्स क्लियर करने हैं, तो आपको ये वाला कोर्स ज्वाइन करना होगा। ओके, एंड इसके डिस्क्रिप्शन में क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज अ कंप्लीट कोर्स। ओके, तो वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट फॉर पेपर वन, देन वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट फॉर पेपर टू, देन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, ओके, ऑल्सो फॉर मोस्ट ऑफ द यूनिट्स पेपर टू, देन लास्ट 18 ईयर्स सॉल्व पेपर, क्वेश्चन पेपर ऑफ पेपर वन 2004 ऑनवर्ड्स, मीन्स 2004 से लेके 2021 तक जो पेपर वन हुआ है वो सॉल्व आपको गाइज यहाँ पे मिलने वाला है इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। पेपर टू टूरिज्म के 2012 से लेके अब तक जो पेपर हुए हैं वो सारे सॉल्व आपको यहाँ पे मिलेंगे। पीएचडी टूरिज्म एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बहुत से यूनिवर्सिटीज जो है वो पीएचडी टूरिज्म के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाती है। जैसे मैं अभी एचपीयू से पीएचडी कर रहा हूँ, तो मैंने भी एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो वहाँ पे टूरिज्म के बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे पेपर्स आपको यहाँ पे सॉल्व मिलने वाले हैं। मंथ वाइज जीके 2018 ऑनवर्ड्स, मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री न्यूज मंथ वाइज, ओके, एंड लाइव क्लासेस। तो गाइज ये कंप्लीट कोर्स है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, मैंने आपको दिखा दिया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिनको लाइव क्लासेस चाहिए, जिनको 6 मंथ्स की वैलिडिटी चाहिए, ओके, पेपर वन भी चाहिए और इंस्टॉलमेंट में पे करना है, उनके लिए ये वाला कोर्स है। ओके, सेकंड कोर्स है हमारा गाइज, का नाम है क्रैश कोर्स ऑफ यूजीसी एनटीए नेट टूरिज्म। इसका नाम है क्रैश कोर्स। जो लाइव वाला था उसका नाम है कंप्लीट कोर्स। ओके, और यहाँ पे टूरिज्म है, टूरिज्म प्लस नहीं है, तो इसमें सिर्फ पेपर टू टूरिज्म के आपको रिकॉर्डेड सारे वीडियोस एवरीथिंग यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, पेपर वन नहीं मिलेगा, अगेन इसमें लाइव क्लासेस नहीं होंगी और इसकी वैलिडिटी भी गाइज 6 मंथ्स की है, ध्यान रखें प्लीज। ओके, बाकी सब इसमें सेम है, बस रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। ओके, और जो थर्ड कोर्स है मैंने, जो मैंने अभी कल ही लॉन्च किया है, क्योंकि बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर जून में पेपर होने वाला है और हमें सिर्फ 2 महीने के लिए कंटेंट चाहिए, हमें सिर्फ 2 महीने के लिए पढ़ाई करनी है, तो उनके लिए एक सुपर कोर्स गाइज लॉन्च किया गया है। अगेन इसमें पेपर टू टूरिज्म का कंप्लीट स्टफ आपको मिलेगा। ओके, जितनी भी लाइव क्लासेस लाइव वाले बैच कोर्स में हो रही हैं वो सारी रिकॉर्ड होके अपलोड इसमें अपलोड की जाएंगी। ओके, तो गाइज इस कोर्स में आपको पेपर टू कंप्लीट मिलेगा। ओके, इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 मंथ्स की है और इसका जो प्राइस है वो 2499 है। ओके, 2500 रुपये ओनली, और इसमें इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन आपको गाइज नहीं मिलेगी। ऑलराइट, तो ये सुपर कोर्स है, ये स्पेशली जो अभी जून में एग्जाम होना है उन बच्चों के लिए जो 2 महीने के लिए अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए लॉन्च किया गया है। ओके, अब गाइज इन कोर्स को परचेज कैसे करना है, इनको सब्सक्राइब कैसे करना है, वो मैं आपको एक वीडियो उस पर मैंने अलग से बनाया है, उसका लिंक अभी आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, अगेन डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने आपको दे दिया है। ओके, तो वहां से उस वीडियो को देख के आप इस कोर्स को गाइज ज्वाइन कर सकते हैं। तब भी कोई आपकी क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है, तो आप इस वीडियो के लास्ट में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, मेरी ईमेल आईडी दी है, वहां पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी। ओके,
तो गाइज ये मेरे 3 कोर्सेज थे जो टूरिज्म के हैं। सुपर जो सिर्फ पेपर 2 टूरिज्म कवर करता है, 2 महीने की वैलिडिटी है, ₹2500 ओनली। देन क्रैश कोर्स यूजीसी एनटीए नेट टूरिज्म जो कि 4000 का है, पेपर 2 कवर करता है, बट इसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स रहेगी। एंड देन योर कंप्लीट कोर्स यूजीसी एनटीए नेट टूरिज्म प्लस, पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है, लाइव क्लासेस भी होती हैं, इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, एंड इसकी वैलिडिटी गाइस 6 मंथ्स रहती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, नीडी स्टूडेंट्स से इसको शेयर करें। एंड आई होप दैट यू विल ज्वाइन द कोर्स एंड आई सी यू ऑल इन द लाइव क्लास। ओके, देन बाय बाय, टेक केयर।